और यहाँ पे भाई वरुण चक्रवर्ती के सामने विराट कोहली है। शॉट भाई, विकेट पहले ही बॉल पे विकेट है यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, और भाई यहाँ पे विराट कोहली का बढ़िया विकेट देखने को मिला है भाई। बैट के मारने की कोशिश और विराट ने मिस करी बॉल। ऋतुराज गायकवाड़ 23 बॉलों पे 40 रन, ऋतु की भाई 50 आएगी क्या? यॉर्कर रखी है, शॉट अच्छा खेला है और भाई चौका मिल भी जाएगा ऋतु को। बढ़िया बाउंड्री, वन बाउंस बाउंड्री आई है। और यार तुम लोग अपनी प्लेइंग 11 भी बना के यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या होती है। और यहाँ कुलदीप यादव को विकेट मिल गया है, बहुत बढ़िया कैच। हार्दिक पांड्या काफी अच्छा कैच यार, यहाँ पे कुलदीप यादव अपनी टीम के लिए पहला विकेट दिलवाया और भाई काफी अच्छा कैच यहाँ पे हार्दिक पांड्या का। गायकवाड़ भाई 40 रनों पे खेल रहे हैं 21 बॉलों पे। रविंद्र जडेजा शॉट अच्छा मारने की कोशिश, रनआउट का चांस भाई, रनआउट हो चुका है यहाँ पे एक और। और भाई सूर्य भाऊ का एक और विकेट यार, एक बार कैच आउट और इस बार भाई रनआउट करवाया तिलक वर्मा को। शॉर्ट पिच बॉल रखी है, शॉर्ट अच्छा खेला है यहाँ पे और भाई सिक्स आ जाएगा यहाँ पे रियान पराग के खाते में। देखते हैं क्या कमाल करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। और भाई ऋतुराज की 50 कंप्लीट हो चुकी है यार, बढ़िया 50 ऋतुराज गायकवाड़ की, 26 बॉलों पे 51 रन, डिजर्विंग प्लेइंग 11। विकेट भाई रविंद्र जडेजा 2 बॉलों पे 2 विकेट। रवि बिश्नोई मेरे ख्याल से तो यार विकेट ले सकता है, जायसवाल सामने है, 3 बॉलों पे 5 बनाए हैं जायसवाल ने। एज भाई यहाँ पे विकेट गिर चुका है पहले ही ओवर में भाई रवि बिश्नोई। हेलो भाइयों, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ क्रिकेट 24। और भाई ये वाली जो वीडियो है ये थोड़ी सी होने वाली है स्पेशल वीडियो, क्योंकि भाई इसके अंदर हमने भाई 2 टीमें चूज करी है और दोनों टीमें टीम इंडिया की। एक टीम है भाई जो कि प्लेइंग 11 ऑफिशियल है वो टीम है, और एक डिजर्विंग 11 है वो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। तुम लोग अपनी टीम भी बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना तुम लोग अपनी टीम। और भाई जो चैनल पर नया हो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना ऐसी वीडियोज और भाई डेली लाइव स्ट्रीम्स देखने के लिए। ये रही भाई दोनों टीम इंडिया, एक भाई अपनी टीम इंडिया, एक भाई डिजर्विंग प्लेइंग 11, और ये रही भाई दोनों टीमों की प्लेइंग 11। दूसरी वाली जो टीम है भाई डिजर्विंग वाली, उसका कैप्टन मैंने बनाया केएल राहुल को। पहले हमने करी है भाई बैटिंग, सामने जसप्रीत बुमराह है हमारे, वेस्ट इंडीज के अंदर मैच हो रहा है, केएल राहुल और भाई ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं ओपनिंग डिजर्विंग प्लेइंग 11 के लिए। पहली बॉल भाई बुमराह, पहली बॉल ही भाई यॉर्कर रखे और यहाँ चौका ले लिया है भाई, बैट्समैन की तरफ से अच्छा चौका आया और पहली बाउंड्री आ चुकी है डिजर्विंग प्लेइंग 11 के लिए। बुमराह ने काफी अच्छी यॉर्कर डाली थी वैसे, बट भाई अच्छा शॉट यहाँ पे। और यार तुम लोग को कोई चेंज करना हो प्लेइंग 11 के अंदर तो यार तुम लोग भी बता सकते हो अपनी प्लेइंग 11। 2 यॉर्कर लगातार बुमराह की तरफ से, मैच भाई 10 ओवर का ही होने वाला है तो भाई 3 फील्डर बाहर रहेंगे, 30 यार्ड्स के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं बस। ये बॉल काफी अच्छी थी बुमराह की, 3 बॉलों पे यार 4 रन आ चुके हैं यार। केएल राहुल बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं, शॉट अच्छा है और एक और बाउंड्री मिल जाएगी यार केएल राहुल को। 8 रन बना चुके हैं डिजर्विंग प्लेइंग 11 और विकेट अभी तक गिरा नहीं है। पहले ओवर की लास्ट बॉल 12 रन, अभी तक विकेट गिरा नहीं है हमारा, जो कि काफी अच्छी बात है। एक और यॉर्कर यार और ये सीधा फील्डर के हाथ में, ऋतुराज गायकवाड़ भाई और सामने उनके अर्शदीप सिंह भाई। मेरे ख्याल से तो यार देखो ऋतुराज को टीम के अंदर होना चाहिए था क्योंकि आईपीएल में काफी अच्छे रन मारे हैं अभी तक, और भाई होना ही चाहिए था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सिंगल मिलेगा ऋतुराज गायकवाड़ को, स्ट्राइक पे आ जाएंगे कप्तान केएल राहुल। और यार अगर तुम लोग को यार डेली आईपीएल की मैचेस की लाइव स्ट्रीम देखनी है तो यार वो भी आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पे, तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। सेकंड ओवर की तीसरी बॉल 14 रन पे 0 विकेट्स, ये शॉट अच्छा है, यहाँ चौका मिल जाएगा भाई, एक और चौका इस बार ऋतुराज गायकवाड़ के लिए। बढ़िया बाउंड्री भाई, अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि काफी भाई सामने काफी अच्छे बैट्समैन है, रोहित शर्मा वहां पे भाई, विराट कोहली और यहाँ भाई ऋतुराज गायकवाड़ का एक और चौका आ चुका है। 22 रन पे 0 विकेट, डिजर्विंग प्लेइंग 11, काफी अच्छी बैटिंग यहाँ पे, एक और चौका आएगा ऋतुराज के खाते में। वैसे यार अर्शदीप का ना काफी ज्यादा महंगा ओवर जा चुका है, 14 रन आ चुके हैं इस ओवर के अंदर और शॉट अच्छा खेला है ऋतुराज ने, यहाँ सिंगल मिल जाएगा 2 ओवर के बाद 27 पे 0 विकेट। थर्ड ओवर कंटिन्यू करवाने भी भाई अपने आए हैं जसप्रीत बुमराह, पहली बॉल थर्ड ओवर की बॉल अच्छी, शॉट उससे भी अच्छा भाई, फील्डिंग यहाँ पे मोहम्मद सिराज, सिंगल मिलेगा। तीसरे ओवर की लास्ट बॉल भाई जसप्रीत बुमराह, उनके सामने केएल राहुल, लास्ट बॉल इस ओवर की और यहाँ सिंगल लेने की कोशिश है, रनआउट का चांस भाई हो जाएगा, डायरेक्ट हिट होता तो चांस था। चौथा ओवर करवाने भाई कुलदीप यादव आ चुके हैं भाई, कुलदीप यादव उनके सामने केएल राहुल, ओवर की शुरुआत सिंगल के साथ करी है केएल राहुल ने, 16 रन बनाए 8 बॉलों पे। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने यहाँ पे भी स्वीप शॉट का सिंगल ही मिलेगा, 33 पे 0 विकेट्स।
और भाई वैसे भी ना वेस्ट इंडीज में ना वहां पे यार स्पिनर्स काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। 33 रन 0 विकेट शॉट अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे पहला सिक्स आ चुका है भाई इस इनिंग्स का, तो भाई मैच का भी पहला सिक्स। केएल राहुल 13 बॉलों पे 22 रन, शॉट अच्छा है, सिंगल देके जाएगा, 40 रन कंप्लीट हो जाएंगे भाई हमारे। और अभी तक विकेट नहीं गिरा है, कम से कम यार 100 से ऊपर रन बनाने पड़ेंगे, 120 से 130 रन, तब जाके हम लोग डिफेंस कर पाएंगे। क्योंकि यार बैटिंग अच्छी है यार, विराट कोहली है, यशस्वी है, रोहित शर्मा है सामने वाली टीम में, तो भाई बच के तो रहना पड़ेगा ना। यहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश कर लेते हैं विराट, नहीं भाई नहीं, विराट के हाथ से 2 रन नहीं चुरा सकते। पांचवी ओवर की पहली बॉल, ऋतुराज गायकवाड़ 10 बॉलों पर 18, शॉट अच्छा है भाई गायकवाड़ का, वाइड ओवर कर रखी थी और यहाँ 6 रन मिल चुके हैं हम लोग को। केएल राहुल 14 बॉलों पे 23 रन, पांचवी ओवर की चौथी बॉल, शॉट अच्छा खेला है, यहाँ पे भी बाउंड्री मिलेगी क्या भाई, 6 रन आ चुके हैं, बढ़िया बैटिंग चल रही है हमारी अभी भी। केएल राहुल 15 बॉलों पे 29 रन, यार बैटिंग काफी अच्छी हुई है, शॉट अच्छा ये वाला और यहाँ पे भी चौका आ जाएगा। छठे ओवर की तीसरी बॉल, 59 रन 0 विकेट, ये बॉल अच्छी है, शॉट अच्छा है, सिंगल देके जाएगी। कुलदीप यादव ने यार पहले ओवर में तो 10 रन दिए थे, इस ओवर में अभी तक सिर्फ भाई 3 ही रन दिए हैं, बड़ा शॉट। ओरे बॉलिंग यार, कुलदीप यादव की बॉलिंग काफी अच्छी हो रही है यार वैसे। और यार तुम लोग अपनी प्लेइंग 11 भी बना के यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या होती है। और यहाँ कुलदीप यादव को विकेट मिल गया है, बहुत बढ़िया कैच, हार्दिक पांड्या काफी अच्छा कैच यार यहाँ पे, कुलदीप यादव अपनी टीम के लिए पहला विकेट दिलवाया और भाई काफी अच्छा कैच यहाँ पे हार्दिक पांड्या का। तिलक वर्मा आया भाई डिजर्विंग प्लेइंग 11 की साइड से, अगले बैट्समैन, 1 डाउन तिलक वर्मा को बुलाया। ऋतुराज गायकवाड़ 16 बॉलों पे 27 रन, सिराज ने भाई पहले ओवर काफी महंगा दिया था, 17 रन दिया था इस ओवर की शुरुआत, और ये भी चौके के साथ होगी ऋतुराज गायकवाड़ के, 17 बॉलों पे 31 रन, ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छी इनिंग्स खेल रहे, शॉट अच्छा है, एक और चौका देके जाएगा ये शॉट, 69 रन पे एक विकेट। भाई तिलक वर्मा बॉल फेस कर रहे हैं पहली बॉल और उनके सामने मोहम्मद सिराज, तिलक वर्मा की भाई बीट हुआ है यहाँ पे पहली बॉल पे, सिंगल मिलेगा और अच्छी बॉलिंग भाई सिराज की तरफ से। 7th ओवर के अंदर भी भाई 10 रन आ चुके हैं हमारे पास, 71 पे एक, और यहाँ पे भी चौका मिल जाएगा भाई, बढ़िया शॉट ऋतुराज गायकवाड़। रविंद्र जडेजा आया भाई अगला ओवर करवाने, जड्डू को लाया गया है भाई 8th ओवर डलवाने, 75 रन पे एक विकेट, सामने तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म स्पिनर और उनके सामने लेफ्ट आर्म बैट्समैन, पहली बॉल काफी अच्छी डाली है। गायकवाड़ भाई 40 रनों पे खेल रहा है 21 बॉलों पे, रविंद्र जडेजा शॉट अच्छा मारने की कोशिश, रनआउट का चांस भाई, रनआउट हो चुका है यहाँ पे एक और, इस बार तिलक वर्मा काफी अच्छी फील्डिंग यार, ऑफिशियल टीम इंडिया भाई फील्डिंग में अपना कमाल दिखा रही है। और भाई सूर्य भाव का एक और विकेट यार, एक बार कैच आउट और इस बार भाई रनआउट करवाया तिलक वर्मा को। रियान पराग 1 बॉल पे 0 रन, सेकंड बॉल और 8th ओवर की लास्ट बॉल होने वाली है, एज भाई बहुत बढ़िया बॉल जड्डू की, यहाँ पे चौका मिल जाएगा वैसे, बट भाई काफी अच्छी बॉलिंग रविंद्र जडेजा। ऋतुराज गायकवाड़ 23 बॉलों पे 40 रन, ऋतु की भाई 50 आएगी क्या, यॉर्कर रखी है, शॉट अच्छा खेला है और भाई चौका मिल भी जाएगा ऋतु को, बढ़िया बाउंड्री, 1 बाउंस बाउंड्री आई है, 44 रन पे पहुंच चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़ और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ऋतुराज, 7 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 87 पे 2 है, शॉर्ट पिच बॉल रखी है, शॉट अच्छा खेला है यहाँ पे और भाई 6 आ जाएगा यहाँ पे रियान पराग के खाते में। रियान पराग 4 बॉलों पे 12 रन, अच्छी बैटिंग करी है रियान ने भी, शॉट अच्छा है और बाउंड्री मिलेगी यहाँ पे भी रियान पराग को। लास्ट ओवर डालना है भाई रविंद्र जडेजा, उनके सामने ऋतुराज गायकवाड़ है, देखते हैं क्या कमाल करते हैं ऋतुराज गायकवाड़। और भाई ऋतुराज की 50 कंप्लीट हो चुकी है यार, बढ़िया 50 ऋतुराज गायकवाड़ की, 26 बॉलों पे 51 रन, 7 चौके और 2 छक्कों के साथ 26 बॉल पे 51 बनाए, 5 बॉलें बच रही है इनिंग्स की, शॉर्ट पिच बॉल, शॉट अच्छा है और यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी भाई, पीछे फील्डर ही नहीं है, बाउंड्री मिलनी है, 107 रन बना दिया हम लोगों ने 2 विकेट के नुकसान पे, जो कि ठीक ठाक रन है भाई। लोअर फुल टॉस, बढ़िया बॉल भाई ये वाली, इस ओवर की भाई 4th बॉल, इस ओवर में 10 रन तो आ चुके हैं और वैसे भी लास्ट ओवर चल रहा है, ये बॉल अच्छी है, पीछे फील्डर मौजूद है, कैच का चांस और भाई यहाँ पे भाई गायकवाड़ की पारी समाप्त होते हुए और जडेजा को पहला विकेट मिल चुका है यार। जड्डू ने भाई अच्छा विकेट लिया, 55 रन बनाए थे वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने और यहाँ विकेट गिर चुका है भाई, बढ़िया बैटिंग वैसे ऋतुराज, 55 बना के आउट हुए, 2 बॉलें बची है लास्ट की, देखते हैं दिनेश कार्तिक क्या फिनिशर वाला कमाल करेंगे, 107 रन पे 3 विकेट, डिजर्विंग प्लेइंग 11,
विकेट भाई रविंद्र जडेजा दो बॉलों पे दो विकेट। बॉलिंग भाई रविंद्र जडेजा बढ़िया बॉलिंग यार यहाँ पे, इसीलिए इनको वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर कहा जाता है। यहाँ पे विकेट तो गिर चुका है भाई, एज लगा बैट को, और भाई ऋषभ पंत ने कोई गलती नहीं करी, इजी कैच। शशांक सिंह को भी ऐड करा था भाई अपने टीम में हम लोगों ने, और ये भाई लास्ट बॉल पे आया, थोड़ी बैटिंग लेट आई। जड्डू ऑन भाई हैट्रिक, बॉलिंग यार रविंद्र जडेजा 10 ओवर के बाद 107 पे 4 विकेट हमारी टीम। भाई इन लोगों के लिए टारगेट हम लोगों ने दे दिया है, रोहित शर्मा और भाई यशस्वी जायसवाल बैटिंग करने आ रहे हैं। नटराजन से डलवाएंगे हम लोग अपना पहला ओवर। पहली बॉल ऑफ द इनिंग, 60 बॉलों पे 108 रन चाहिए ऑफिशियल टीम इंडिया को ये मैच जीत निकले। पहली बॉल शुरुआत हुई है सिंगल के साथ, रोहित शर्मा का बढ़िया सिंगल। यशस्वी जायसवाल के सामने भाई नटराजन है, पहली बॉल यशस्वी जायसवाल के लिए। नटराजन को विकेट लेने होंगे यार अगर हम लोग को मैच जीतना, और यहाँ चौका मिल जाएगा। नट्टू भाई विकेट लेने पड़ेंगे यार, दो बॉलों पे 5 रन आ चुके हैं लोगों के। ये बॉल काफी अच्छी थी, सिंगल देके जाएगी। दो बॉल पे 1 रन, रोहित शर्मा इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं, दो बॉलें बच रही है। बॉल काफी अच्छी थी, चौका मिल सकता है यहाँ पे रोहित को, पीछे फील्डर है और चौका मिल भी जाएगा भाई। 10 रन टीम इंडिया के। सेकंड ओवर भाई रवि बिश्नोई को लाया गया है हम लोगों की तरफ से, रवि बिश्नोई जो कि भाई अच्छे स्पिनर है। जायसवाल सामने, दो बॉलों पे 5 रन, बिश्नोई आ चुके हैं बॉलिंग कराने। ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ, रवि बिश्नोई मेरे ख्याल से तो यार विकेट ले सकता है। जायसवाल सामने, 3 बॉलों पे 5 बनाए जायसवाल ने। एज भाई यहाँ पे विकेट गिर चुका है पहले ही ओवर में भाई रवि बिश्नोई, और यहाँ पे यार यशस्वी जायसवाल को चलता बनाया है। अंपायर की साइड जाएंगे क्या यशस्वी जायसवाल? भाई विकेट भाई पहले ही ओवर में सेकंड बॉल पे, और भाई कोई गलती नहीं करी, दिनेश कार्तिक का एक इजी कैच आया और विकेट भाई। भाई बढ़िया शुरुआत हुई है, रवि बिश्नोई पहले ही विकेट लिया सेकंड बॉल पे। अब सामने भाई विराट, विराट का भाई विराट शॉट आया और यहाँ पे 2 रन तो देके जाएगा कम से कम। भाई चौका करवा दिया फील्डर ने जो भी खड़ा था यहाँ पे। 14 रन पे 1 विकेट यार, मगर अच्छा विकेट मिला हम लोगों को यशस्वी जायसवाल का। और रे बॉलिंग यार काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे। तीसरा ओवर भाई हम लोगों ने वरुण चक्रवर्ती को दिया है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में स्पिन काफी काम आने वाली है। वहां पे भाई कुलदीप यादव और भाई जडेजा ने करवाए थे ओवर, और यहाँ पे भाई वरुण चक्रवर्ती के सामने विराट कोहली है। शॉट भाई विकेट, पहली ही बॉल पे विकेट है यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती, और भाई यहाँ पे विराट कोहली का बढ़िया विकेट देखने को मिला है। भाई बैट के मारने की कोशिश और विराट ने मिस करी बॉल, और पहली बॉल पे विकेट, विराट आउट 5 रन बना के स्काई आया बैटिंग करने। भाई साहब वरुण चक्रवर्ती यार क्या विकेट लिया है भाई, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, शॉट भाई बैट के मारने की कोशिश, और भाई कितनी अच्छी स्पिन हुई है ये बॉल, यही तो कमाल है भाई कैरिबियन पिचेस का। ये देखो भाई मिस करा विराट ने, और भाई वरुण चक्रवर्ती को इनके स्पेल की पहली बॉल पे ही विकेट मिला। काफी अच्छा विकेट यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने विराट को आउट करा, पहली बॉल पे ही विकेट यार। स्काई बैटिंग करने आया, 15 रन पे 2 विकेट सामने वाली टीम। शॉट अच्छा और चौका मिलेगा भाई, स्काई ने शुरुआत ही चौके के साथ करी है। चौथी बॉल भाई सौरभ की, 5 रन आए 1 विकेट मिला है, वो भी किंग कोहली का विकेट। शॉट अच्छा है यहाँ पे, एक और अच्छा शॉट इस बार रोहित शर्मा, और यहाँ चौका मिल जाएगा रोहित को। पांचवी बॉल इस ओवर की 24 पे 2 विकेट गिर चुके हैं, ये बॉल भी अच्छी थी, और एक और चौका भाई रोहित शर्मा के बल्ले से। 13 रन आए जरूर इस ओवर में, बट भाई किंग कोहली का विकेट मिला है, ये बॉल अच्छी थी, और यहाँ पे भी शायद चौका मिल जाए। फील्डर है पीछे नटराजन, और भाई बढ़िया यहाँ पे रोक लिया भाई चौका। 3 ओवर के बाद 29 पे 2 विकेट, भूवी को ले आया भाई चौथा ओवर डलवाने, और उनके सामने खड़े हैं रोहित मैन शर्मा। पहली बॉल भाई भूवी के स्पेल की, 8 बॉलों पे 14 रन बना चुके हैं रोहित शर्मा। बॉल अच्छी है, शॉट उससे भी बढ़िया है, और शायद चौका भी मिल जाए। बढ़िया बाउंड्री भाई, शुरुआत ही चौके के साथ। 33 रन पे 2 विकेट, 10 बॉलों पे 18 बनाए रोहित शर्मा ने, ये बॉल भी अच्छी है, यहाँ सिंगल मिल जाएगा। और स्ट्राइक पे भाई सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे। तिलक वर्मा को लाया है भाई बॉलिंग करवाने, जो कि बॉलिंग करवा सकते थे T20 वर्ल्ड कप में, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और भाई बॉलर के तौर पे भी। शुरुआत होगी सामने भाई स्काई खड़े हैं, 5 बॉल पे 8 रन बनाए स्काई ने। बॉलिंग भाई शॉट अच्छा है यहाँ पे स्काई का, चौका मिल जाएगा पहली बॉल पे। 6 बॉलों पे 12 रन यार सूर्य कुमार यादव, ये बॉल अच्छी है और सीधा फील्डर के हाथ में। 41 रन पे 2 विकेट, शॉट भाई स्काई का, और यहाँ 6 रन मिलेंगे स्काई को। केएल राहुल खड़े तो है भाई वहां पे, 11 बॉल पे 20 रन स्काई ने बनाए अभी तक, ये बॉल अच्छी है, शॉट अच्छा है, और 6 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे।
स्काई भाई 12 बोले पे 27 पहुंच गए, 56 रन पे 2 विकेट, और स्काई काफी अच्छी बैटिंग कर रहा है अभी। ये बॉल अच्छी है, चौका देके जाएगी। 12 बोले पे 20 रन, रोहित शर्मा ऑन द स्ट्राइक, शॉट भाई रोहित शर्मा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन यार। बैटिंग भाई रोहित शर्मा ने खतरनाक बैटिंग करी है, और 50 पार्टनरशिप भी कंप्लीट हो गई है दोनों बैट्समैन की। स्काई 15 बोलों पे 31 रन, बॉल अच्छी थी, चौका तो जरूर देके जाएगी यार, पीछे फील्डर ही नहीं है। 71 पे पहुंच गई है सामने वाली टीम इंडिया, 71 रन पे 2 विकेट। स्काई 17 बोलों पे 35 बनाए, ये बॉल अच्छी थी, शॉट उससे भी तगड़ा भाई, 6 रन। स्काई ऑन फायर, 18 बोलों पे 41 बनाया सूर्य कुमार यादव, 77 पे पहुंच गई है सामने वाली टीम। डिफेंड करना यार देखो मुश्किल तो लग रहा है, 19 बोलों पे 41 स्काई ने बना दिया, क्योंकि शॉट अच्छा है, और यहाँ पे एक और चौका आ जाएगा, काफी महंगा ओवर भाई ये भी। 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती से करवा रहा हूँ, 27 रन चाहिए इनको ये मैच जीतने के लिए। 18 बॉलों पे 27 रन यार, वरुण चक्रवर्ती विकेट ले ले भाई, बॉल और शॉट यार, रोहित शर्मा चौका भाई। 17 बॉलों पे 23 रन चाहिए, 85 पे है भाई सामने वाली टीम, शॉट रोहित शर्मा 6 रन देके जाएगा ये शॉट तो। शिट भाई एक और सिक्स आ चुका है, 91 पहुंच गई है सामने वाली टीम भाई, यहां से ना हमको कोई चमत्कार ही जिता सकता है। 20 बॉलों पे 45 भाई स्काई ने बनाए थे, और यहां चौका मिल जाएगा स्काई को भी। 96 पहुंच गई भाई सामने वाली टीम, और 49 पे सूर्य कुमार यादव यार। 12 बॉलों पे 12 रन चाहिए, शार्दुल ठाकुर को लाया हम लोग, लॉर्ड शार्दुल विकेट लेगा क्या पहली बॉल भाई सामने रोहित शर्मा, लॉर्ड शार्दुल विकेट लेगा क्या इस ओवर में। ओवर की शुरुआत लो भाई स्काई भाई, रोहित शर्मा ने चौका मार दिया, 100 कंप्लीट, 8 रन और चाहिए अब इनको जीतने के लिए। जीत गए भाई ये लोग, 20 बॉलों पे 41 रोहित शर्मा, 22 बॉलों पे 49 स्काई, शॉट अच्छा है और चौका देके जाएगा भाई साहब, 6 रन यार भाई। सामने वाली टीम भाई अनस्टॉपेबल बैटिंग करी है आज यार। रोहित शर्मा 41 बॉलों पे 2 रन चाहिए जीतने के लिए, शॉट अच्छा है, सिंगल मिल जाएगा, और मैच ड्रॉ करवा चुके हैं ये लोग यार 107 रन 2 विकेट के बाद। भाई जडेजा ने जो 2 विकेट लगातार लिए हैं ना, उसकी वजह से हुआ है ये सब, जड्डू का कमाल है भाई। वैसे भाई कोई बात नहीं, अच्छा है, दोनों टीमें अच्छी है, टीम इंडिया ही है अपनी, और यहाँ मैच जीत ही जाएंगे शायद ये लोग यार, मेरे ख्याल से अगले ओवर भाई पूरा मेड इन तो निकालना नामुमकिन है। स्काई 23 बॉलों पे 49 बनाए, और यहाँ जीत चुके हैं भाई सामने वाली टीम इंडिया, एक ओवर पहले ही मैच जीत चुकी है भाई साहब, बढ़िया मैच यार ये। और यहाँ भाई स्काई की 50 भी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे, इंडिया वॉन भाई 8 विकेट से यार, 8 विकेट से ये मैच जीते हैं, स्काई रहा है मैन ऑफ द मैच। जिसको यार वीडियो पसंद आई हो यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और यार तुम अपनी प्लेइंग 11 भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर।